और मैं माता जी के चरणों में प्रार्थना किया हूँ कि माता जी मुझे बार बार दर्शन के लिए बुलावें, पूरे देश को दर्शन के लिए बुलावें, और जो हमारे तेलंगाना राज्य के लोग हैं उन्हें भी उत्तर प्रदेश में जो तमाम हमारे जो तीर्थ स्थल हैं, चाहे अयोध्या, मथुरा, काशी, प्रयागराज, वहाँ वो आवे, हम उनके स्वागत के लिए तैयार। जी कब आएंगे आपसे कि पुराने शहर में खासकर भाग्यलक्ष्मी मंदिर मतलब बीजेपी के लिए कितना अहम हो चुका है राजनीतिक तौर पर, जो भी बड़े कोई बीजेपी नेता आते यहाँ जरूर आए। सर ये तो माता जी का मंदिर है और माता जी के पास तो हर पुत्र हर संतान उनकी जा सकता है और हर देशवासी हर बच्चा बच्चा उनकी संतान स्वरूप है। मैं तो जीवन में बहुत बार चाहता था लेकिन प्रथम बार आज दर्शन किया हूँ। तो माँ तो दर्शन के लिए जब बुलाती है तभी कोई आ पाता है, तो बीजेपी के हैं चाहे वह किसी अन्य दल के होंगे लेकिन माँ के चरणों में प्रार्थना करने का अधिकार सभी को है। मैं एक माँ के भक्त के रूप में माँ के चरणों में प्रणाम करने और आशीर्वाद मांगने के लिए आया था। यह सच है कि हम तेलंगाना में कमल का फूल खिलाना चाहते हैं। केशव जी,